हर समय साले बदमाशी करता है। देखो जूतनी माला अच्छी रहती है। अबे साले जूतों की माला उसके डाली जाती है जो गलत काम करता है, जिसका मुंह काला होता है। तुमने गलत काम ना करो, रानी का मुंह लगे कहा था, गलती काम ना करो। पिस्सू का भाई रानी के हर कोई होता है, हर कोई होता है। वो बैठी है, वो कह के दिखा माई है, बहुत अपने बाप रहते फोन देखने में। अबे थोड़ी देर पहले कहा तो सुना, वो मार खा दो तुमने खाई खातर भर रही थी ना। असले महाराज हमारी जीत हो गई, जीत मारा नहीं गई गड्ढा। हमारी अगर जीत हो गई तो तुम्हारे लिए और काम बढ़ गया है। काम बढ़ेगा, हाँ दाम बढ़ जाए, काम बढ़ेगा मतलब दाम कब बढ़े। अगर काम ज्यादा करोगे तो ज्यादा तनख्वाह भी चाहिए। अब कब से काम कर रहे हैं तुम, रुपया तनख्वाह नहीं बढ़ा है, 12,000 है कम से कम, 3,000 और करो यार, जाओ 18,000 कर दिए। अरे यार झूला जा घड़िया पे, बढ़िया है फिर साले बदमाशी, बढ़िया 18,000 है अब तो। अब काम है तुम्हारे लिए, सुनिए मैं बताता हूँ। हे राजमंत्री, जो हमारी रानी मंजर राजाओं के वस्त्र पहरे हुए है, हाँ महाराज, सर पर जो सोने का मुकुट लगाए हुए है, हाँ महाराज, उसके बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझा महाराज। अरे लला लियो वस्त्र, अरे तरबार मंझा तो तुम, अरे फटे वस्त्र पहे हे रही हो। ओ वस्त्र हो राय नारी फटे वस्त्र पे रहियो रे, बाग लखौरा जाय कुमर हे तो हरो पास ले आइयो। लखोरा जाए कुमर हरो बांस लाए अयो रे, बच्चा पत के घर से लला तुम नांदे चार मंगवाइयो। पति के घर जाए तुम नान चार मगबैयो रे, नान धरबाए दियो धौरा पे दूध दही भरबैयो। धरबाए दियो धौरा दूध दही भर भैयो रे, कर दे हुक्म जाय मन जहे अंटा पे काग उड़ भैयो। देव हुक्म जाय मन जे अंटा फटा गए उड़ भैयो रे, हुक्म अदूली करे नार बासन की मार लगैयो।
लला कर दे हुकुम जाए मंझा आओ भज भज अंटा पे उड़ावे काज अरे दिन को काग रात चमगोदर आओ उड़ावे सतखंड हाकर मान बाकी तन पे खाल रहा अरे मेरे नौकर बेटा सुनियो तुम्हें इतना काम करना है और मंजा को खाने के लिए एक शेर जौ दिए जाएंगे सूखे बस सब्जी की जगह पर मठा का धोबन बाकी उसके लिए कोई चीज नहीं है मानना को फिर तो कहता हूँ क्या जैसा उसने किया है वैसा उसे अवश्य भोग करना है उन नहीं करो है और क्या मैंने किया है चलो कोई बात ना चले जाओ इसी वक्त ठीक है जा रहे हैं मास्टर साहब और जो भी कर्म में लिखी विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं और भक्त पड़े परी दो गज कपड़ा और देने वाला कोई नहीं और जो मित कर्म में लिखी विधाता मिटाने वाला कोई नहीं भक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं और भक्त पड़ा था हरी चंद पे और भक्त पड़ा था हरी चंद पे काशी जाए भिखे भाई रोती दासी को दसा सरपुनी रोती थी उसकी माई और उसी समय रोहित को देखा और उसी समय रोहित को देखा बचाने वाला कोई नहीं भक्त पड़े पर गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं और भक्त पड़ा था रामचंद्र पी और भक्त पड़ा था रामचंद्र पी बन को गए दोनों भाई राम गए और लखन गए साथ गई सीता माई और वन में हरण हुआ सीता का और वन में हरण हुआ सीता का और बचाने वाला कोई नहीं भक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं और जो भेद कर बुन लिखी विधाता मिटाने वाला कोई नहीं भक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला क्यों हेलो अरे रानी साहब अरे कहिए प्रिय नौकर प्रिय नौकर प्रिय नौकर